प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस यस प्लस ऑब्जेक्ट. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद यस और यस. वर्ब में प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस और यस कहाँ लगता है? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर हो. अब यस और यस कहाँ लगे, कहाँ लगता है वर्ब में? यदि वर्ब का जो एंड है वो डबल एस से हो, एस एच से हो, सी एच से हो, ओ से हो, टी एच से हो, डबल जेड से हो, एक्स से हो, तो वहाँ पे अंत में क्या लगता है? यस लगता है. और अदर्स के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा. जैसे बॉक्स है तो यहाँ पे आपका बॉक्सेस हो जाएगा. यदि पास से डबल एस है तो पासेज हो जाएगा. यदि डिस है तो डिसेज हो जाएगा. यदि बेंच है तो बेंचेज हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें यदि वर्ब के एंड में हैं तो वहाँ पे ईएस हो जाता है. और अदर्स के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा. इफ वर्ब एंडिंग विथ वाई, अगर वर्ब जो है लास्ट में वाई आ रहा है तब उसके साथ क्या लगता है? आई ई एस. क्या लगता है? आई ई एस. जैसे क्राई है, मैंने एग्जांपल दिया है क्राई, तो हो जाएगा क्राइज. यदि है फ्लाई तो हो जाएगा फ्लाइज. इस तरह से यदि वर्ब के लास्ट में एफ या एफ ई है तो हम वी ई एस में कन्वर्ट करते हैं. जैसे एफ है, एफ ई है, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइव, इसका हो जाएगा वाइब्स, डब्ल्यू आई वी ई एस. यदि है हाफ, एफ है, यहाँ एफ ई था, यहाँ पे क्या है? एफ है, यह हो जाएगा हाफ्स. ये कुछ वर्ब बदलने की बातें हैं कि कहाँ वर्ब में यस लगता है और कहाँ ईएस लगता है. नाउ अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट कि उसमें यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब में आपके क्या लगता है? यस yes और यस yes लगता है. अगर सेंटेंस है वह प्रतिदिन मंदिर जाता, पहले तो ये देखिए वह प्रतिदिन मंदिर जाता है. वर्ब में आपका ता आ गया. हमने बताया कि ता ती ते जहाँ भी वर्ब के अंत में रहेगा वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट. और दूसरी चीज़ आपको मैं बता रही हूँ कि प्रेजेंट के सारे टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट मीन्स जो वर्तमान में आपका चल रहा है, सारे टेंस में, चाहे वो इंडिफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, लास्ट में क्या रहेगा? है हो रहेगा लास्ट में. वो प्रतिदिन मंदिर जाता है, ता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया. ही आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही वह का क्या हो जाएगा? ही आपका सिंगुलर है. उसके बाद आएगा आपका वर्ब, जाता है यानी गोज. यस लगेगा क्योंकि वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर है. मैंने पहले बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में यस या यस लगेगा. ही गोज टू, मंदिर जाता है, टेम्पल, एवरी डे. ही गोज टू टेम्पल एवरी डे. इस तरह से और एग्जांपल है, सीता खाना पकाती है. यह हो जाएगा सीता. सीता भी आपका सिंगुलर है, क्या हो जाएगा? कुक्स. यस लगेगा आपका इसमें वर्ब में. ओ, अब ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब इनका हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड डज. केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में? वर्ड डज. जैसे अगर हमें इनका इन नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस करना है, जैसे ही गोज टू टेम्पल एवरी डे, और इसको हमें नेगेटिव बनाना है कि वो प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है. नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका? वह प्रतिदिन
मंदिर नहीं जाता है। ये आपका नेगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा? ही डज हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ही डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। और जब भी हम डज यूज करेंगे तब हम क्या कर देंगे? तब वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, तब हम उसमें यस और ईएस ऐड नहीं किया करेंगे जहां हमने यहां पे इसमें ऐड किया था। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम वर्ब में यस और ईएस यूज करेंगे, लेकिन अगर उसी अफर्मेटिव का हम नेगेटिव बनाते हैं और वी यूज डज और डज का प्रयोग करते हैं देन वी Do not add yes or yes in the verb. तब हम verb में yes और yes add नहीं करेंगे। इसी तरह हम अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएं सिंगुलर सब्जेक्ट का, क्या वह प्रतिदिन मंदिर जाता है? ये अगर इंट्रोगेटिव है आपका तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमेशा जो इंट्रोगेटिव वर्ब रहता है वो सब्जेक्ट के पहले रहता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डज पहले। डज ही गो टू टेम्पल एवरी डे? डज ही गो टू टेम्पल एवरी डे। क्या वह मंदिर, वो क्या वह प्रतिदिन मंदिर जाता है? तो डज ही गो टू टेम्पल एवरी डे। यहाँ भी जब डज का प्रयोग हुआ है तो वर्ब में आप यस और ईएस ऐड नहीं करेंगे। ये तो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट आपका क्या हो, यहाँ सिंगुलर हो। लेकिन जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तब प्लूरल सब्जेक्ट को कैसे यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ हमने लिखा भी है। If subject is plural, we use first form of the verb. कि जब अगर subject plural हो तो हम yes और yes add नहीं करते verb में, केवल first form of the verb use करते हैं। For example, हम लोग cricket खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग आपका क्या हो जाएंगे? प्लूरल है, वी। अब इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी प्ले क्रिकेट। अब इस हमने इस वर्ब में हम यस और ईएस नहीं लगाएंगे, वी प्ले क्रिकेट हम यूज करेंगे। सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज करेंगे हम, वी प्ले क्रिकेट। और जब हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा तब हम क्या करेंगे? जैसे हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तब हम प्रयोग करेंगे डू का। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम डू का प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो डू का अगर हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यहाँ पे हो जाएगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हो जाएगा? वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। और इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं? तो यहाँ पे ये आपका जो वर्ब है इंट्रोगेटिव वर्ब वो पहले आ जाएगा, डू वी प्ले क्रिकेट। जब भी हम डू, तो आपको ये पता चल गया कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वर्ब में यस और यस लगाते हैं अफर्मेटिव में,
उसका जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब हम जब उसका हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब हम डज का प्रयोग करते हैं। जब प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं तब हम अफर्मेटिव में उसके वर्ब में यस और यस नहीं लगाते हैं। उसका जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव फैमिली। डब्ल्यू एच वर्ड जो होते हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।